दोस्तों 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, हर जगह तबाही थी, तकलीफ थी, बेबसी थी, और ऐसे ख़राब माहौल में 5 साल के बाद 1950 में एक कहानी को लिखा गया जिसका नाम था देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। ये कहानी वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई थी, इसलिए इसमें आपको कोई भी होप नहीं मिलेगा, उदासी मिलेगी, बेबसी मिलेगी, तकलीफ मिलेगी। इसको पढ़कर मज़ा नहीं आएगा आपको, फील गुड स्टोरी नहीं है ये, अच्छा महसूस नहीं होगा इसको पढ़कर। इस कहानी में डिस्टोपिया को दिखाया गया है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना आप लोग। डिस्टोपिया एक इमेजिन सोसाइटी होती है, यहाँ पर बहुत तकलीफें होती हैं, बेबसी होती है, कोई होप नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही बुरा होता है, सब कुछ ख़राब होता है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो, कितना बेकार लग रहा है ना। अच्छा, डिस्टोपिया का उल्टा होता है यूटोपिया, यूटोपिया भी एक इमेजिन सोसाइटी होती है, लेकिन यूटोपिया में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, एक परफेक्ट सोसाइटी जहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, खुशहाली खुशहाली है। मैं आपको बता दूं कि एक पोएम थी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, इस पोएम को सारा टीसडेल ने लिखा था, और इस पोएम में यूटोपिया को दिखाया गया है, बहुत अच्छा नेचर है, सब कुछ बहुत बढ़िया बेहतरीन है। लेकिन रे ब्रैडबेरी ने सेम टाइटल से इस कहानी को लिखा, और उन्होंने इस कहानी में डिस्टोपिया को दिखाया है, बिल्कुल उल्टा दिखाया है जो पोएम में था, मतलब एकदम ख़राब सोसाइटी है जहाँ पर सब कुछ बहुत गलत है, सब कुछ एकदम बेकार है। दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि 2026 में हमारी दुनिया कैसी होगी, सब कुछ मशीन से होगा, ऑटोमेटेड होगा, हमारे घर का खाना मशीन बनाएगी, घर की सफाई मशीन करेगी, बर्तन मशीन धोएगी, मतलब हर काम जो होगा ना वो मशीन से होगा। मेरी बात समझो ध्यान से आप लोग, देखो शहर में ना एटम बॉम्ब फटा है जिसकी वजह से सब लोग मर चुके हैं, आसपास के सारे घर मलबा हो चुके हैं, एकदम खाक हो गए, गिर गई सारी बिल्डिंगें, सिर्फ एक घर खड़ा हुआ था, और जो घर खड़ा हुआ है ना सही सलामत है, एटम बॉम्ब की वजह से गिरा नहीं वो, उसी घर की ये कहानी है। अब घर में जो भी लोग रह रहे थे वो सब मर चुके हैं, घर में कोई भी नहीं है, लेकिन घर की जो प्रोग्रामिंग हो रखी है उसके हिसाब से वो घर काम करेगा, उसकी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि सुबह इस टाइम अलार्म बजेगा तो उसी टाइम अलार्म बजता है, जो टाइम खाना पकाने का होता है उस टाइम खाना पकता है, जिस टाइम घर की सफाई होनी है उस टाइम सफाई होती है, लेकिन उस मशीन को, उस घर को ये बात नहीं पता कि लोग है ही नहीं वहाँ पर, लोग मर चुके हैं। चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ और पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी का मैसेज क्या है। सुबह 7 बजे का टाइम है और लिविंग रूम में रखा अलार्म क्लॉक बार बार बज रहा है, टिक टॉक 7 o'clock, टाइम हो गया उठने का 7 o'clock। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अलार्म क्लॉक डरा हुआ हो, उसे लगता हो कि आज तो कोई उठेगा ही नहीं सुबह। अब घर में तो कोई भी नहीं है तो वो अलार्म क्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, उठने का टाइम हो गया, उठने का टाइम हो गया, 7:09 ब्रेकफास्ट टाइम, 7:09 ब्रेकफास्ट टाइम। अब किचन में भी अपने आप ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा था, 8 बढ़िया सिके हुए टोस्ट तैयार हो गए, 8 अंडे तैयार हो गए जिनका योक यानी जो येलो वाला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ था, और 16 बेकन के स्लाइसिस तैयार हो गए, बेकन कहते हैं सुअर के मांस को। इसके साथ ही साथ 2 कप कॉफी भी तैयार थी और 2 ग्लास ठंडे दूध के भी थे, तो किचन में पूरा नाश्ता तैयार हो चुका है। आज तारीख है August 4, 2026, किचन की छत की दूसरी आवाज ने कहा, एलनडेल कैलिफोर्निया में, और ये डेट 3 बार रिपीट करके बताई गई ताकि याद रहे। और आज मिस्टर फेदरस्ट्रोन का बर्थडे है, जेटी लीडर की मैरिज एनिवर्सरी भी है, इंश्योरेंस भी भरना है, और वाटर के, गैस के और लाइट के बिल्स भी भरने हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में ना ये काफ़ी हद तक रियलिटी बन चुका है। देखो, आज हमें सोशल मीडिया से पता लग जाता है कि किसका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, और पेटीएम, फ़ोन पे जैसे जो ऐप्स हैं मार्केट में वो हमें बता देती हैं कि हमारा बिल ड्यू है, गैस का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंश्योरेंस पे करना है अपने को, सब पता लग जाता है आपके पास में, नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आप सोच कर देखो कि ये सारी बातें राइटर ने 1950 में इमेजिन कर ली थी, उन्होंने सोच लिया था कि 2026 में इस तरह की दुनिया होगी। आप लोगों को तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन 2 साल बाद जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना 2026 में, वो बच्चे क्लास 10 से आएंगे और क्लास 10 के बच्चे पढ़ेंगे द पेडेस्ट्रियन। ये कहानी भी सेम राइटर रे ब्रैडबेरी ने ही लिखी है, और इस कहानी में बताया गया है कि 2053 में हमारी दुनिया कैसी होगी। तो रे ब्रैडबेरी इसी तरह की स्टोरीज़ को लिखना पसंद करते थे जिसमें वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे, और उनके प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही भी है। उन्होंने जैसा सोचा था 2026 में ऐसी दुनिया होगी, वैसी हो भी रही है काफ़ी हद तक। चलो आगे बढ़ते हैं। दीवारों में कहीं पर मेमोरी टेप्स लगे हुए थे
और दीवार पर उन मेमोरी टेप्स को रीड करा जा रहा था। देखो हर चीज़ प्री प्रोग्राम्ड है, जैसा जैसा प्रोग्राम में फीड किया हुआ है वैसा वैसा हो रहा है। तो दीवारों में ना टेप्स लगे हुए हैं और वो टेप्स लगे हुए हैं प्रोग्रामिंग के लिए, दीवारों में डेटा स्टोर्ड है। दोस्तों पहले ज़माने में ना टेप्स हुआ करती थी मेमोरी स्टोर के लिए, तो राइटर इतना ज़्यादा इमेजिन नहीं कर पाए कि आने वाले ज़माने में ये टेप्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा और छोटी सी चिप्स आएंगी, मेमोरी कार्ड्स आएंगे आने वाले ज़माने में और उनसे ये टेप्स रिप्लेस हो जाएंगे, इतना ज़्यादा वो इमेजिन नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो घर की दीवारें हैं वहाँ पर टेप्स लगी हुई हैं और वो टेप्स मेमोरी को स्टोर कर रही हैं, वहाँ पर उनकी प्रोग्रामिंग हो रखी है। 8 बज गए टिकटॉक, 8 बज गए स्कूल के लिए जाओ, काम पर जाओ, भागो भागो 8 बज गए। लेकिन कोई भी नहीं भाग रहा, कोई है ही नहीं वहां पे जो भागेगा। ना तो जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आ रही है, ना ही कारपेट्स के ऊपर कोई चल रहा है। बाहर बारिश भी हो रही थी, फ्रंट डोर पर लगा वेदर बॉक्स धीमे से गाना गाने लगा, रेन रेन गो अवे अम्ब्रेलास रेनकोट्स फॉर टुडे। वेदर बॉक्स घर वालों को बता रहा है कि आज मौसम खराब है तो साथ में अम्ब्रेला और रेनकोट रख लो। और उस खाली घर पर भी बारिश होने लगी और घर में आवाज गूंज रही थी। बाहर गैराज में घंटी की आवाज बजते हुए दरवाजा भी खुल गया जहां पर गाड़ी इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत देर तक कोई भी गाड़ी चलाने के लिए नहीं आया तो फिर वो दरवाजा भी बंद हो गया। दोस्तों अब किचन में जो नाश्ता तैयार था ना वो किसी ने खाया ही नहीं है, कोई है ही नहीं तो खाएगा कौन, तो वो सारा का सारा नाश्ता खराब होने लगा। 8:30 बजे अंडे सिकुड़ गए, छोटे हो गए अंडे, और जो टोस्ट था ना वहां पर वो पत्थर बन चुका था, मतलब बहुत सख्त हो गया था। अब एक एल्युमिनियम का वेज आया, वेज इस तरह का होता है, और इसने सब खाने को उठाया और सिंक में फेंक दिया, और सिंक में गर्म पानी से जोर से घुमा के ड्रेन पाइप में डाल दिया गया खाने को, जहां से वो बहुत दूर समुंदर में चला गया। ठीक है, जो नाश्ता बना हुआ था वो सिंक में फेंक दिया गया और वो अंडे टो सिंक में से फ्लश होके दूर समुंदर में चले गए। फिर जो गंदे बर्तन थे वो वॉशर में गए और उस हॉट वॉशर में से बर्तन चमकते हुए साफ और सूखे बाहर निकले। 9:15 क्लॉक ने गाते हुए कहा, अब टाइम हो गया है सफाई का। दोस्तों घर की दीवारों में से ना छोटे छोटे होल्स थे और उन छोटे छोटे होल्स में से रोबोटिक चूहे बाहर आए। ये सारे चूहे मशीन हैं जो घर की सफाई करते हैं, और ये क्लीनिंग एनिमल्स पूरे कमरे को कवर कर दिया करते थे, सफाई कर दिया करते थे पूरे कमरे की। ये रबर और मेटल के बने हुए हैं और ये रोबोट्स कुर्सियों से जाके भिड़ गए, और इनकी मूछें गोल घूमने वाली मशीन है, इनकी मूछें गोल गोल घूम रही हैं और सफाई कर रही हैं, कारपेट को भी साफ कर रहे हैं और जो भी मिट्टी है गंदगी उसको सक कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं मिट्टी को। और जैसे लुटेरे होते हैं ना, लुटेरे आते हैं और लूट कर भाग जाते हैं, वैसे ही ये चूहे हैं, सफाई करते हैं और फिर चले जाते हैं, जो भी मिट्टी है उसको लूटते हैं और लूट कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं वापस। और अब क्योंकि उनका काम हो गया है तो फिर उनकी आंखों में जो इलेक्ट्रिक लाइट जल रही थी ना पिंक कलर की, वो बुझ गई और घर अब एकदम साफ हो चुका है। अब 10 बजे का टाइम हो गया, बारिश बंद हो गई और सूरज निकल आया। और दोस्तों पूरे शहर में ये इकलौता घर बचा था जो न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाह नहीं हुआ, अभी तक सही सलामत खड़ा हुआ है। उसके आसपास जितने भी घर थे ना वो सब बर्बाद हो चुके थे, मलवा और राख बन चुके थे, ये एक लौता घर खड़ा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि सर कहानी में तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ एटम बॉम्ब का। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये कहानी 1950 में लिखी गई थी और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब फेंका था। दूसरी बात यह है कि अगर आप आगे की लाइन्स को पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, एट नाइट द रूइंड सिटी गेव ऑफ अ रेडियो एक्टिव ग्लो विच कुड बी सीन फॉर माइल्स। यहाँ पर रेडियो एक्टिव ग्लो हिंट दे रहा है कि न्यूक्लियर अटैक हुआ है सिटी पर। इस लाइन का मतलब यह है कि रात में वहाँ पर रेडियो एक्टिव ग्लो दिखाई दे रहा था दूर से। देखो इस तरह का होता है कुछ रेडियो एक्टिव ग्लो। 10:15 पर बगीचे में लगे स्प्रिंकलर्स खुल जाते हैं, पानी का छिड़काव करने लगते हैं, और उस पानी के छिड़काव से सुबह की हवा भी चमकने लगती है। पानी खिड़कियों पर भी बह रहा था, खिड़कियों को भी साफ कर रहा था, और पानी बहता हुआ घर की वेस्ट साइड के ऊपर भी जा रहा था जो कि जल चुका है, और उस पर जो वाइट पेंट हो रखा था वेस्ट साइड पर घर की, वो भी हट गया जलने की वजह से। ठीक है, घर की जो वेस्ट वाली साइड है ना वो काली हो चुकी है जलने की वजह से, और वहाँ पर जो पेंट हो रखा था वाइट कलर का वो भी एकदम ख़राब हो गया। सिर्फ 5 जगह बची हुई थी, 5 स्पॉट्स को छोड़कर पूरा काला था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 जगह काली क्यों नहीं हुई, ये कैसे बच गई। रुको मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आदमी खड़ा हुआ है और इस आदमी की परछाई बन रही है पीछे की ओर।
पीछे परछाई इस वजह से बन रही है क्योंकि जो रोशनी है ना उस आदमी ने ब्लॉक कर ली उतनी रोशनी, जितनी रोशनी ब्लॉक हो गई वहां पर वो परछाई बन रही है। अगर मैं टॉर्च से लाइट मारूंगा तो पीछे परछाई पड़ेगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब एटम बॉम्ब फटा ना तो 5 आदमी बाहर थे और उन 5 आदमियों ने उस आग को एब्जॉर्ब कर लिया जो बॉम्ब से फटने की वजह से जनरेट हुई थी। पूरी जगह काली हो गई, 5 जगह काली नहीं हुई क्योंकि वो जो आग थी जो दीवारों पर पड़नी थी वो आग उन आदमियों पर पड़ गई, इस वजह से वो 5 जगह खाली हैं। एक बार और समझा रहा हूँ आपको, जो 5 लोग खड़े हुए थे वहाँ पर उन लोगों ने आग को एब्जॉर्ब कर लिया और आग को दीवार पर नहीं पड़ने दिया जिसकी वजह से वो दीवार काली नहीं हुई। तो एक आदमी था वहाँ पर जो घास काट रहा था, एक औरत थी जो झुकी हुई थी फूल को तोड़ने के लिए और उनका पूरा का पूरा जिस्म एक पल में जल के राख हो गया। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि जिस्म राख हो गया, कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे, जल के खाक हो गया। एक छोटा सा लड़का भी था जिसके हवा में हाथ उठे हुए थे और थोड़ी ऊपर हवा में एक बॉल भी थी और उसके सामने ना एक लड़की खड़ी हुई थी, लड़की के हाथ भी ऊपर थे बॉल को पकड़ने के लिए और वो हाथ फिर वापस नीचे नहीं आए, मतलब वो लड़की मर गई, उसके हाथ नीचे नहीं आ पाए। दोस्तों ये 5 स्पॉट्स आपको याद करने, एक आदमी था जो घास काट रहा था बगीचे में, एक औरत थी जो फूल को तोड़ रही थी, 2 बच्चे थे खेल रहे थे, ये तो हो गए 4 लोग, ये तो आप याद कर लोगे 4 स्पॉट्स को। जो 5वां स्पॉट है ना वो एक बॉल का है, ये आपको याद नहीं होगा इसलिए अलग से आपको बता रहा हूँ, जो 5वां स्पॉट है वो बॉल का है और ये 2 बच्चे बॉल से खेल रहे थे इस वजह से वो बॉल हवा में थी। और 5 स्पॉट्स को छोड़कर पूरी जगह वहाँ पर कोयले की तरह काली हो गई थी, कोयले के जैसी पतली लेयर वहाँ पर बन गई थी कालक की। दोस्तों गार्डन में ना धीमा धीमा पानी का छिड़काव हो रहा है और वो पानी ना चमक रहा था धूप में। बम फटने से पहले ये घर बिल्कुल पीसफुल था, एकदम शांति थी यहाँ पर, और इस घर में ना पासवर्ड्स लगे हुए थे। छोटी सी भी अगर कहीं पर खटपट होती ना तो घर एकदम पूछता, कौन हो तुम, हु आर यू, पासवर्ड बताओ। जानवर आ जाया करते थे अगल बगल से, लोमड़ी आ जाती थी, बिल्लियाँ आ जाती थीं, लेकिन ये घर सब जानवर वगैरह को रोक लिया करता था, जिसे पासवर्ड पता था बस वही अंदर जा सकता था। मतलब बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही प्रोटेक्टेड घर था और बहुत सुकून था यहाँ पर, आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से ये प्रोटेक्ट करता था अपने आप को। जब भी कोई आवाज़ आती ना घर में तो घर एकदम से घबरा जाता, डर जाता। अगर चिड़िया घर की विंडो से हल्का सा भी टकरा जाती तो एकदम से खिड़की का शीशा आ जाता ताकि घर प्रोटेक्ट हो सके, चिड़िया से भी अपने आप को बचा रहा है। और फिर चिड़िया चौंक कर वहाँ से उड़ जाती। एक चिड़िया भी घर को चू नहीं कर सकती थी, इतना ज़्यादा वो घर अपने आप को प्रोटेक्ट करता था। अब दोपहर के बज गए थे 12 और 12 बजे घर में आता है एक डॉग और वो दर्द में चिल्ला रहा है, कांप रहा है और घर के बाहर बरामदे में वो आ गया। घर का जो फ्रंट डोर था वो उस कुत्ते की आवाज़ को पहचान गया। दोस्तों कुत्ते की आवाज़ को घर ने पहचान लिया, इसका मतलब ये है कि ये डॉग इसी घर का है, यहीं का पला हुआ है, शायद ये कहीं पर चला गया और इसकी जान बच गई हो, लेकिन इसको घर का रास्ता याद था इसलिए वो वापस आ गया। ये कुत्ता पहले काफ़ी हेल्दी था, तकड़ा मोटा था, लेकिन अब ये सूख चुका है बिल्कुल और इसके जिस्म पर जगह जगह जख्म है। कुत्ता घर के अंदर आया और क्योंकि वो मिट्टी में संधा हुआ था तो चलते हुए ना वो मिट्टी के निशान छोड़ रहा था, मिट्टी फेंकता हुआ जा रहा था घर में। और उस कुत्ते के पीछे रोबोट वाला चूहा लग गया सफाई के लिए। रोबोट वाले चूहे को बर्दाश्त कहाँ कि कोई घर में गंदगी फैलाए, मिट्टी फैलाए, तो वो रोबोट वाला चूहा ना बड़े गुस्से में देख रहा था उसको, बड़ा गुस्से में था वो कि गंदगी फैला कैसे रहा है घर में। रोबोटिक चूहे को बहुत सारी मिट्टी को साफ करना था और उस चूहे के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट था। दोस्तों वह घर इतनी ज़्यादा साफ सफाई रखता था कि एक छोटा सा पत्ता भी घर के अंदर नहीं आ सकता था, कूड़ा कबाड़ा तो छोड़ ही दो, एक छोटा सा पत्ता भी नहीं आ सकता था घर के अंदर। अगर कभी वॉल पैनल्स खुलते भी थे और थोड़ी सी धूल आ जाती थी घर में तो कॉपर के बने हुए चूहे बाहर आके उसको एकदम साफ कर दिया करते थे। अगर धूल का एक ज़र्रा भी है ना तो वो कॉपर के बने हुए चूहे, रोबोटिक चूहे एकदम साफ कर दिया करते थे, उन्हें बर्दाश्त ही नहीं था कि घर में कोई गंदगी हो। दोस्तों चूहों को यहाँ पर कहा गया कॉपर स्क्रैप रैट्स, 95% चांसेस ये हैं कि इसका मतलब होगा तांबे के बने हुए चूहे, तांबा एक मेटल होता है ना उसके बने हुए चूहे। 95% चांसेस मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसी पैराग्राफ में आगे लिखा हुआ है स्टील जॉज, स्टील के जबड़े, तो राइटर मटेरियल बता रहा है, बार बार मटेरियल को मैंशन कर रहा है। लेकिन ये पढ़ाते हुए मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई, सोचा आपको बता दूँ। देखो पहले ज़माने में कॉप को कहा जाता था कॉपर, कॉप पुलिस को कहते हैं ना, तो कॉप जो वर्ड आया ना वो कॉपर से ही आया है, पहले ज़माने में पुलिस को कॉपर कहा जाता था।
बड़े इंटरेस्टिंग बात है, सोचा आपको बता दूं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि घर में एकदम साफ सफाई थी और कुछ भी मिट्टी कूड़ा वहाँ पर नहीं आ सकता था। तो जो भी बाल है या कागज है, कुछ भी अगर छोटे से छोटा कूड़ा भी है ना, उसको ये चूहे अपने छोटे से जॉज में, अपने जबड़ों में पकड़ लिया करते थे और उस कूड़े को ये चूहे वापस अपने होल्स में ले जाया करते थे, अपने बॉरोज में ले जाया करते थे, और फिर वहाँ से ये कूड़ा सेलर में जाता था और सेलर से जाता था इंसिनरेटर में। इंसिनरेटर देखो इस तरह की मशीन होती है, इसमें आप कूड़ा डालोगे ना तो ये जला के राख कर देगा कूड़े को। और ये इंसिनरेटर घर के डार्क कॉर्नर में इस तरह से रखा हुआ था जैसे मानो शैतान बैठा हुआ हो। अब वो कुत्ता ऊपर सीढ़ी पर भागा और हर एक दरवाजे पर जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बहुत इमोशनल हो गया था। देखो डॉग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और इस टाइम इस सिचुएशन में, इतनी ख़राब सिचुएशन में बेचारा बड़ा तड़प रहा था कि किसी तरह से उसे उसके मालिक मिल जाएं। लेकिन आखिरकार उसको रियलाइज़ हो गया, कुत्ते को भी रियलाइज़ हो गया और घर को भी रियलाइज़ हो गया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा पड़ा है। अब कुत्ते ने हवा को सूंघना शुरू करा, उसको कुछ स्मेल आ रही थी किचन से, तो किचन में गया और किचन के दरवाजे को स्क्रैच करने लगा। दोस्तों किचन में बन रहे होते हैं पैनकेक्स और पैनकेक्स की खुशबू पूरे घर में महक रही थी और पैनकेक्स पर मैपल सिरप डाला जा रहा था। मैपल सिरप की भी खुशबू आ रही थी, पैनकेक्स की भी खुशबू आ रही थी। दोस्तों मैपल सिरप शहद जैसा होता है लेकिन ये शहद नहीं होता, एक पेड़ होता है मैपल नाम का, वहाँ से इसको कलेक्ट किया जाता है, फिर इसको लिक्विड फॉर्म में सिरप जैसा बनाया जाता है। तो ये मैपल सिरप पैनकेक्स के ऊपर डाला जा रहा था और बड़ी बढ़िया बेहतरीन खुशबू महक रही थी घर में। अब जो डॉग था उसके मुंह में झाग बनने लगे और वो वहीं दरवाजे के बाहर लेट गया, वो सूंघ रहा था खुशबू को और फिर उसकी आँखें ना एकदम लाल हो गई, अपने मुँह को काटने लगा और गोल गोल घूमने लगा और फिर मर गया। कुत्ते का मरा हुआ जिस्म एक घंटे तक घर के बरामदे में यूं ही पड़ा रहा। घर में एक आवाज़ ने अनाउंस किया, 2 बज गए, और फिर घर को पक्का यकीन हो गया कि वो कुत्ता मर चुका है। देखो घर उस कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ऐसा ना हो कि उस कुत्ते में जान बची हो और घर उसको जला दे, उसको राख कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो घर ने पूरा इंतज़ार करा, 1 घंटे तक वेट करा, और जब उसको पूरा यकीन हो गया कि वो कुत्ता मर चुका है तो फिर चूहों की फौज दोबारा से निकल कर आई और उस कुत्ते को बड़ा आराम से, जैसे पत्तों को उठाते ना बिल्कुल आराम से, वैसे आराम से उठाया और इंसिनरेटर में ले गए। और 15 मिनट में, 2 बजकर 15 मिनट पर उस डॉग का कोई भी नामो निशान नहीं था, द डॉग वॉज गॉन। इंसिनरेटर में एकदम से चिंगारियाँ उठी, चिमनी तक वो चिंगारियाँ गईं और उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया, जला के राख हो गई उसकी डेड बॉडी। दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगा। अगर आपको देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स का पार्ट 2 देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।